हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 जीव विज्ञान अध्याय 1 जीव जगत के अंतर्गत वर्गीकी के पदानुक्रम अर्थात हायरार्की ऑफ द टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि प्रकृति में लाखों प्रकार के पौधे और जंतु हैं, तो अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संवर्ग के अंतर्गत जाति सबसे छोटा संवर्ग है और जगत सबसे बड़ा संवर्ग है। पहले हम जाति के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर अन्य संवर्गों को पढ़ेंगे। तो हम देखें कि जाति या स्पीसीज क्या है। मेयर के अनुसार जाति की परिभाषा हम देखें, जाति आपस में संकरण करने वाले जीवों की जनसंख्या या समिष्टि है। इस तरह हम कह सकते हैं, स्पीसीज इज द पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। पर यह परिभाषा पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि दो विभिन्न प्रजातियों में जब संकरण होता है तो संकर जीव प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो परिभाषा क्या कह रही है कि जाति आपस में संकरण करने वाले समान जीवों की जनसंख्या है। अब यहाँ हम देखें कि कभी-कभी विभिन्न प्रजातियों में संकरण होता है, तब भी संकर जीव प्राप्त होते हैं। जैसे खच्चर या मूल, यह नर गधे तथा मादा घोड़े की संतान है। लाइगर, यह नर सिंह एवं मादा बाघ की संतान है। हिन्नी, यह नर घोड़े और मादा गधे की संतान है। तो एक प्रजाति के अंतर्गत सामान्यतः एक समान जीवों को ही सम्मिलित किया जाता है, परंतु कुछ जीवों की एक जाति में बहुरूपकता भी पाई जाती है। अब बहुरूपकता हमें कहाँ देखने को मिलती है? आपने सुना होगा मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी, राजा मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियाँ, इस तरह से तीन प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। तो बहुरूपकता या पॉलीमॉर्फिज्म मधुमक्खियों में देखी जा सकती है, चींटियों में देखी जा सकती है। तो कभी कभी एक ही जाति के जीव में भिन्नता भी पाई जाती है, इसीलिए मेयर की इस परिभाषा को पूर्णतः सही नहीं कहा गया है। कुछ प्रजातियों में नर एवं मादा जीवों की संरचना में भिन्नता पाई जाती है, इस प्रकार इन्हें भी एक प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित करना अनुचित है। जाति को परिभाषित करने और समझने के दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों ने कई अवधारणाएं दी हैं, जो निम्नानुसार हैं। पहला, जाति की आकारिकीय अवधारणा। यह अवधारणा लीनियस तथा दूसरे समकालीन वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई है। इस अवधारणा के अनुसार जाति जीवों का ऐसा समूह है जिसके अलग-अलग जीव एक दूसरे के अत्यधिक समान होते हैं। दूसरे शब्दों में जीवों के एक समान समूह को जाति कहते हैं। सेकंड है जाति की जैव वैज्ञानिक अवधारणा। यह अवधारणा मेयर द्वारा दी गई। इसके अनुसार जाति आपस में संयोग करने वाले जीवों का समूह है। पहली और दूसरी अवधारणा को ज्यादा मान्यता नहीं है। तीसरी अवधारणा है जाति की जीनिक अवधारणा। यह अवधारणा जीवों के विकासवाद के बाद व्यक्त की गई है। इस अवधारणा के अनुसार जाति अंतरा प्रजनन करने वाले जीवों की ऐसी आबादी है जिसमें एक समान
जीन समूह या जीन पूल पाया जाता है, अर्थात ये परिभाषा कहती है कि जाति आपस में अंतरा प्रजनन करने वाले जीवों की ऐसी आबादी है जिनकी जीन की संरचना भी समान होती है। अतः इस अवधारणा को ज्यादा मान्यता प्राप्त है। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकी के पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वर्गीकी या टैक्सोनॉमी क्या है और पदानुक्रम हम किसे कहते हैं। तो वर्गीकी क्या है? जीवों को खोजना, पहचानना, नामकरण करना और उनके गुणों के आधार पर किसी समूह में व्यवस्थित करना, ये वर्गीकी है। और पदानुक्रम हम किसे कहेंगे? जीवधारियों के विभिन्न समूहों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक श्रृंखला में व्यवस्थित करना ही पदानुक्रम या हायरार्की कहलाता है। तो अब हम एक साथ देखें कि वर्गीकी के पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का योजनाबद्ध या सिस्टेमेटिक वर्गीकरण किया जाता है, उसे जैव वर्गीकी या बायोसिस्टेमेटिक्स कहते हैं। यह एक योजनाबद्ध वर्गीकरण में अध्ययन की सुविधा के लिए जीवधारियों को बहुत से छोटे छोटे समूहों में रखा जाता है। इन समूहों को ही वर्ग, टैक्सॉन या संवर्ग, कैटेगरी कहते हैं। प्रत्येक संवर्ग को उनके लक्षणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इस क्रम को वर्गीकी का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। संवर्गों के पदानुक्रम में घटते क्रम वाले निम्न सात संवर्गों को सम्मिलित किया गया है। पहला, जगत या किंगडम, यह सबसे बड़ा संवर्ग है। दूसरा, संघ या फाइलम। तीसरा, वर्ग या क्लास। चौथा, गण या ऑर्डर। पांचवा, कुल या फैमिली। छठवा, वंश या जीनस। और सातवा, जाति या स्पीशीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जाति वर्ग की सबसे छोटी इकाई है। एक प्रजाति के समस्त जीव स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन करते हैं। उदाहरण, पैंथेरा लियो, ये सिंहों के लिए, और पैंथेरा टाइग्रिस बाघों की प्रजाति है। सेकंड है वंश या जीनस, यह वर्गीकरण का द्वितीय संवर्ग है। समान जीवों के समूह मिलकर एक वंश बनाते हैं। एक ही वंश की सभी प्रजातियां कुछ लक्षणों में एक दूसरे से समान होती हैं, पर यह लक्षण अन्य जातियों में नहीं पाए जाते। उदाहरण, पैंथेरा एक वंश है जिसके अंतर्गत तीन प्रमुख प्रजातियां सिंह, चीता और बाघ सम्मिलित हैं। तो इन प्रजातियों के लक्षण आपस में कुछ समान होंगे, पर ये लक्षण अन्य जातियों में नहीं पाए जाएंगे। अगला है कुल या फैमिली, यह एक ऐसा संवर्ग है जिसके अंतर्गत एक समान लक्षणों वाले एक या अधिक वंशों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण, शेर, चीता, बाघ तथा विभिन्न प्रकार की बिल्लियों को कुल फेलिडी के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इनमें कुछ लक्षण समान होते हैं। इसी तरह कुत्तों एवं लोमड़ियों को एक ही कुल कैनिडी में रखा गया है, क्योंकि इनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं।
चौथा संवर्ग है गण या आडण। कुछ समान लक्षणों वाले कुल आपस में मिलकर एक गण बनाते हैं। उदाहरण के लिए कुल कैनिडी तथा फेलिडी के कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं। इस कारण इन दोनों कुलों को एक गण कार्निवोरा में रखा गया है। पांचवा संवर्ग है वर्ग या क्लास। इसके अंतर्गत कुछ समान लक्षणों वाले गणों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात कई समान लक्षण वाले गणों से मिलकर एक वर्ग बनता है। उदाहरण के लिए गण प्राइमेट्स में मनुष्य, गोरिल्ला, बंदर आदि को रखा है। इसी तरह गण कार्निवोरा में शेर, चीता, बाघ, कुत्ते तथा बिल्लियां आदि रखे गए हैं। इन दोनों गणों के जीवों के पास स्तन ग्रंथियां होती हैं, इसलिए इन्हें एक साथ स्तनी वर्ग या मेमेलियन भी कहा जाता है। अगला संवर्ग है संघ या फाइलम। तो समान लक्षण वाले वर्गों से एक संघ या फाइलम बनता है। जैसे संघ कार्डेटा में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी, इन सभी वर्गों के जीव रखे गए हैं। अर्थात ये जो संघ कार्डेटा है ये किन किन वर्गों से मिलकर बना है? मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग या एम्फीबियंस, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग से मिलकर बना है। अगला संवर्ग है जगत या किंगडम। यह वर्ग की का सर्वोच्च संवर्ग होता है। इसके अंतर्गत कुछ लक्षणों में समानता रखने वाले कई संघों को सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए समस्त जंतुओं को जंतु जगत में रखा जाता है। तो इस तरह से हमने क्रमशः जाति से लेकर जगत तक सात संवर्गों के बारे में पढ़ा।